नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। दातियों गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार वर्ष 2022-23 के ऑनलाइन आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से 23 नवम्बर 2022 से प्रारंभ कर दिए गए हैं, जो की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से गार्गी पुरस्कार हेतु आवेदन करने के लिए कक्षा 10 हेतु सत्र 2022-23 के आवेदन के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने अनिवार्य हैं और कक्षा 12 के लिए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होने अनिवार्य हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 प्रवेशिका परीक्षा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, कक्षा 10 व्यवसायिक शिक्षा परीक्षा 2022 में 75% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली 63,063 बालिकाएं पुरस्कार की प्रथम किस्त 3,000 रुपए दिए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। जिन बालिकाओं ने सत्र 2022 के अंतर्गत कक्षा 10 में 75% अंक प्राप्त किए हैं वे आवेदन कर सकते हैं प्रथम किस्त हेतु 3,000 रुपए के लिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 प्रवेशिका परीक्षा स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल एवं कक्षा 10 व्यवसाय शिक्षा परीक्षा 2021 में जो कि पिछले वर्ष थी 90% व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली 80,566 बालिकाएं गार्गी पुरस्कार हेतु आवेदन करेंगी, जो कक्षा 12 में राज्य में स्थित विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत कर रही है। वे बालिकाएं द्वितीय किस्त 3,000 रुपए के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित कक्षा 12 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा एवं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परीक्षा 2022 में कक्षा 12 के अंतर्गत 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली 108,292 बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन के तहत एकमुश्त 5,000 रुपए की राशि से लाभान्वित किए जाएंगे, तो वह बालिकाएं भी आवेदन कर सकती हैं जो 2022 के अंतर्गत 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उक्त पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है। राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाएं पात्र होंगी, जो कि ऑनलाइन आवेदन करे जाएंगे। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। जो बालिकाएं ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनका जनाधार नंबर और जनाधार कार्ड होना अनिवार्य। तो साथियों, शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से सत्र 2022 हेतु ऑनलाइन आवेदन गार्गी पुरस्कार हेतु प्रारंभ कर दिए गए हैं। धन्यवाद साथियों।